नमस्कार। हम सभी जानते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस ये सारे क्रूड ऑयल से बनते हैं और अपन जानते हैं कि क्रूड ऑयल बिल्कुल ब्लैक होता है। जब क्रूड ऑयल रिफाइंड होता है तो बिल्कुल एक ये पारदर्शी की तरह बन जाता है, लेकिन जब अपन पेट्रोल भरवाते हैं या डीजल भरवाते हैं तो इन सब में अलग अलग तरह के कलर क्यों होते हैं? पेट्रोल में अलग कलर दिखता है आपको, डीजल में अलग कलर दिखता है और केरोसिन तेल में अलग कलर दिखता है। जब क्रूड ऑयल रिफाइंड होने के बाद में बिल्कुल पारदर्शी बन जाता है तो इसमें यह कलर कहां से आता है? क्या कारण है इसमें कलर आने का? देखिए, देखते हैं। पेट्रोल का कलर पीला और डीजल का हरा क्यों और केरोसिन का नीला क्यों? आखिर इनमें कलर आता कहां से? देखिए, पेट्रोल सुनहरा पीला, डीजल हल्का हरा और केरोसिन तेल हल्का नीला। पीला, हरा और नीला, जबकि अपन अच्छी तरह जानते हैं जब यह क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है तो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और जब यह रिफाइन होता है तो बिल्कुल यह पारदर्शी बन जाता है, बिल्कुल पारदर्शी, आर पार आप देख सकते हो ऐसा बन जाता है। तो फिर इनमें कलर कहां से आता है? इसका एक रीजन है। इसमें क्या होता है देखिए, आप आम नागरिकों की सुविधा के लिए इसमें कलर मिलाते हैं। पता है आपको, इन सब में कलर मिलाया जाता है। पेट्रोल में हल्का पीला कलर मिलाया जाता है, डीजल में हल्का हरा कलर मिलाया जाता है और केरोसिन तेल में हल्का नीला कलर मिलाया जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें कलर क्यों मिलाया जाता है, तो अगर आप बिना कलर के भी तो पेट्रोल की गाड़ियों में, डीजल की गाड़ियों में डाल सकते हैं। नहीं, यह आम नागरिकों की सुविधा के लिए कलर मिलाया जाता है। कलर इसलिए मिलाया जाता है कि आम नागरिक तीनों पेट्रोलियम उत्पादों को आसानी से समझ सके। अगर तीनों का एक कलर होना तो आम नागरिक, यहाँ तक कि पढ़े लिखे भी नहीं समझ सकते हैं कि पेट्रोल कौन सा होगा, डीजल कौन सा होगा और केरोसिन तेल कौन सा होगा। इसीलिए सिंपल और लोगों को समझ आए कि पेट्रोल कौन सा है, डीजल कौन सा है और केरोसिन तेल कौन सा है, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कलर मिलाया जाता है ताकि इसके आसान से पहचान हो सके कि डीजल कौन सा है, पेट्रोल कौन सा है और केरोसिन तेल कौन सा है। इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रूड ऑयल बिल्कुल ब्लैक होता है, जब ये रिफाइन होता है तो बिल्कुल पारदर्शी बन जाता है और जब इनसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल बनता है तब इनमें कलर मिलाया जाता है क्योंकि आम आदमी आसानी से इसको समझ सके। तीनों ये पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जब तीनों पेट्रोलियम उत्पाद एक ही कलर के होंगे तो लोग आसानी से कैसे समझ पाएंगे कि इसमें डीजल कौन सा है, पेट्रोल कौन सा है और केरोसिन तेल कौन सा है। उनकी समझ के लिए इसमें कलर मिलाया जाता है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।